ये देखिए हमारी गर्मा गर्म यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मसाला ओट्स बन करके तैयार है। आप लोग मसाला ओट्स को ब्रेकफास्ट में जरूर इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बन करके तैयार होता है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले फूड वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए हम लोग बिना इंतज़ार किए फटाफट से मसाला ओट्स बनाना शुरू करते हैं। मसाला ओट्स बनाने के लिए हमें चाहिए ओट्स। मैंने एक कटोरी के करीब ओट्स लिया हुआ है। आज मैं बहुत ही इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मसाला ओट्स। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए हम लोग फटाफट से मसाला ओट्स बनाना शुरू करते हैं। मैं कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ और 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको महीन महीन काट लिया है। इनको हल्का सा सौते कर लेती हूँ। अब मैं 1 बारीक कटी हुई गाजर के पीसेस डाल देती हूँ, उसको भी हल्का सा भून लेते हैं। और साथ में फ्रेश मटर, वो भी इनके साथ भून लेती हूँ। हमारे गाजर और मटर अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब मैं चॉप किए हुए टमाटर डाल देती हूँ। मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, तो मैंने रख ली चॉप कर लिया। इनको भून लेते हैं। आप लोग अपने मनपसंद की सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये हमारा बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनकर के तैयार होगा। इसको हम ऐसे ही 1 मिनट तक भूनते रहेंगे, हमारा टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं वेजिटेबल में। हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पे अपने ओट्स डाल देती हूँ। उनको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। देखने में लग रही है ना कलरफुल। अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर देती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जिससे हमारे ओट्स अच्छी तरीके से कुक हो जाए।
और मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है। चलिए अब हम इसको एक लिड की सहायता से इसको कवर करके रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं। वाव, हमारे मसाला ओट्स तो बनकर के तैयार हो गए हैं। बहुत ही यम्मी यम्मी लग रहे हैं हमारे मसाला ओट्स। अब मैं लास्ट में फ्रेश कटी हुई हरी धनिया डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और गैस को ऑफ कर देते हैं और चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मसाला ओट्स बन करके तैयार है। आप लोग मसाला ओट्स को ब्रेकफास्ट में जरूर इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बन करके तैयार होता है। इस प्रकार हमारी गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी मसाला ओट्स बनकर के तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को अपने अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए। यकीन माने आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल श्वेता पोरवाल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।